अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमारी 9th क्लास टॉपिक वापस आए इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इससे हमने सबसे पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने फिर ग्रीक्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ी कि ग्रीक्स ने हमें केमिस्ट्री में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। इस तरह मुस्लिम पीरियड्स के बारे में पढ़ा, मुस्लिम पीरियड्स में भी हमने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने केमिस्ट्री में की थी उसके बारे में पढ़ा, और ये काफ़ी डिटेल में हमारी बुक में बताई गई थी, इसलिए हमने काफ़ी उसके पॉइंट्स भी डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियड, और मॉडर्न पीरियड में जो हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हमारी बुक में नहीं बताई गई, जितनी हमें डिस्कस की गई है वही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन टॉपिक बॉयल है जे ब्लैक, जे प्रिस्टली, शील्ड्स एंड कैवेंडिश। मॉडर्न पीरियड क्या है हमारे पास? मॉडर्न पीरियड 1600 AD से लेकर आज तक ऑनवर्ड जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, जितनी भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मॉडर्न पीरियड में शामिल की जाती है। उनमें सबसे पहले जो हमारी बुक में डिस्कस किया जाता है, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कस की जाती है, उन्हें कहते हैं रॉबर्ट बॉयल। और रॉबर्ट बॉयल इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर या सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर। इन्वेस्टिगेशन का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है कि आप इसमें एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना भी सिखाया है इन्होंने। किस तरह आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, अभी आप 9th में मौजूद हैं, आपके प्रैक्टिकल इस लेवल के तो नहीं है, अभी बेसिक प्रैक्टिकल्स हैं। फर्स्ट ईयर के बाद जब इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन सिखाई जाएगी, तो वो सब इसी इन्हीं पर बेस करती है। इन्होंने तमाम स्कीम को डिजाइन करके दिखाई किस तरह आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, रॉबर्ट बॉयल। और इन्होंने इनके जो सबसे ज्यादा ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर या इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बताया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जे ब्लैक। जे ब्लैक की जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो ये है कि इन्होंने हमें कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कवरी बताई, कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की बताया कैसे उनकी स्टडी की और उसके बारे में बताया। उसके बाद हमारे पास आते हैं जे प्रिस्ले, उन्होंने हमें ऑक्सीजन, O2, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl के बारे में बताया और उसके स्टडी करके बताया। शील्ड्स हमारे पास है, इन्होंने हमें क्लोरीन गैस Cl2 इसके स्टडी बताई। स्टूडेंट आपको यही याद रखने से ज्यादा कोई पॉइंट नहीं याद नहीं रहे। कैविटीज में इन्होंने डिस्कवरी की थी हाइड्रोजन गैस की, H2। दोबारा से रॉबर्ट बॉयल ने फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, जिन्होंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया। एक पॉइंट है यही याद रखना है आपको, जे ब्लैक के बारे में उन्होंने स्टडी की थी कार्बन डाइऑक्साइड की, जे प्रिस्टले इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया और स्टडी की, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बताया। तो ये देखिए स्टूडेंट, इनको फॉर्मूले में लिखें, इनको याद रखें, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। स्टूडेंट आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करेंगे, आप सी के साथ स्मॉल ओ नहीं लिखना आपने और ना ही स्मॉल टू लिखना, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। सी के साथ ओ लिखेंगे तो तब भी गलत है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक एलिमेंट है, कोबाल्ट का पढ़ा जाता है इसे। ठीक है, सी के साथ ओ हमेशा कैपिटल आता है और इसके साथ टू लाजमी लगाएंगे। क्लियर, तो ये बने कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन गैस O2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन गैस एंड देन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किसने डिस्कवर की? कैवेंडिश। ठीक है, आप नोट्स पे आ जाए तो ये हमारे बहुत छोटे टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जे ब्लैक, ही मेड द स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी। उसके बाद हमारे पास है जे प्रिस्टले, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शील्ड्स, ही डिस्कवर्ड क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारे पास कैवेंडिश, उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में बताया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट की मैंने ये इस पे
नोट्स में आपने लिवाइजर के बारे में बताया, ही डिस्कवर डेट ऑक्सीजन कॉन्स्टेंट अबाउट 1/5 ऑफ द एयर, कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एयर में 1/5 मौजूद है। ल्यूजेक के बारे में, ही डिस्कवर रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, इनका रिलेशन बताया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा इस अगेन इस लेक्चर के आखिर में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने सॉल्व करने हैं अपनी बुक में से और नोट्स में से देख कर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक है हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नंबर वन हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में हम उन लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनसे कोई भी एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन रहते हैं। एक एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन रहते हैं या उनकी कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये इनका फिजिकल बिहेवियर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम उसके लॉज और प्रिंसिपल के बारे में, किसके लॉज और प्रिंसिपल के बारे में जिसमें कोई भी एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन रहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास है HCl, ये क्यों कंबाइन हो गए? हालांकि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। हाइड्रोजन के साथ अगर आपने देखा होगा, अभी कुछ देर पहले पढ़ा तो फॉर्मूला लिखा था H2, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन के लिए हमने Cl2 फॉर्मूला लिखा। लेकिन क्यों HCl बना? तो ये कोई इसके कोई लॉ होगा, इसका कुछ प्रिंसिपल होगा, कोई केमिकल बॉन्डिंग होगी, तो उसके बारे में स्टडी की जाए। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है जो आपके नोट्स में दी हुई उसको पढ़े। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन। कैसे एक केमिकल रिएक्शन के जरिए एक एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होता है और उनके लॉज और उनके प्रिंसिपल को पढ़ा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। मीन्स हाइड्रो का वर्ड हाइड्रोजन से है, कार्बन का वर्ड सी। जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन होगी उसकी स्टडी की जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हमारी बुक के मुताबिक अगर आपके पास लिखा हो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या लिखा हो कार्बन मोनोऑक्साइड या लिखा हो Na2CO3, NaHCO3, Ca2C, Mg2C, ये है क्या? अभी इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए इसमें पहले, है क्या? CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे 2 हटा दें। अच्छा जब यहां पर 2 लिखा हो तो पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जब यहां कुछ नहीं लिखा होगा तो इसकी यहां पे 1 होता है, मोनो, इसे पढ़ते हैं मोनो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, क्लियर। ये क्यों बताया गया इसमें? फाइन डेफिनेशन कहती है कि आप स्टडी करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन को, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, CO2 आ जाए, तो कार्बन तो मौजूद है लेकिन इसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कार्बन मौजूद हो लेकिन हाइड्रोजन मौजूद ना हो, हाइड्रोजन मौजूद हो लेकिन कार्बन मौजूद ना हो, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन भी मौजूद हो, इसके साथ दूसरे एलिमेंट्स लगे हो, तो तब भी इन्हें स्टडी नहीं करेंगे। विद द एक्सेप्शंस लिखा हुआ, विद द एक्सेप्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट। हमारी बुक में से कहा कार्बोनेट, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखकर बता दिया सोडियम कार्बोनेट का। इसी तरह बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, इन सबको स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। स्टूडेंट ये सी के साथ ओ स्मॉल नहीं लिखेंगे, ये कोबाल्ट बन जाता है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ते, ओ कैपिटल लिखें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड और इन सब की स्टडी नहीं करेंगे। तो आप डेफिनेशन पे आ जाए, तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो हमारी बुक के मुताबिक वो कहती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट। मेटल क्यों कहा? सोडियम मेटल है, तो हमने एक मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दिया Na2CO3। इसी तरह मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट NaSCO3, ये एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट की। कार्बाइड की एग्जांपल इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी जो केमिस्ट्री है, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो ऑब्टेन होते हैं हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स से, इनकी जो स्टडी है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं आप अगर ये आप बस बुक में तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स दे दिए गए हैं, तो वो तमाम एलिमेंट्स जितने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, क्लोरीन, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स, ये फॉर्मूलों के नाम थे, एलिमेंट्स के नाम थे फॉर्म, इन तमाम एलिमेंट्स की जब स्टडी की जाएगी, इंडिविजुअल स्टडी की जाएगी, ये तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं नॉन लिविंग मिनरल्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हासिल किए जाते हैं, इनकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एलिमेंट्स, द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये आसानी से वर्ड, कुछ बहुत आसान से वर्ड जो आपको याद रखते हैं। तो हमारे पास देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के हासिल होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? मेथड एंड टेक्निक्स ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? हमारा कि मेथड्स को डिफाइन करती है, मेथड को बनाती है, टेक्निक्स को बताती है, प्रोसीजर बताती है, प्रोसेस बताती है, किनको? टू स्टडी द एटम्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी मैथड टेक्निक्स प्रोसेस, वो मेथड को बताती हैं, डिफाइन करती हैं, टेक्निक्स की स्टडी की जाती है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं क्वांटिटी को, फिर उनकी क्वालिटीज को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री बनती है। तो
हमारे पास एनालिटिक केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील विद द मेथड एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व इन काइंड क्वालिटी एंड द वेरियस कंपाउंड इन गिवन सराउंडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। तो हम आप बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, बायो तो हमारे पास हो गए लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो हमारे पास हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी कोई कोई केमिकल प्रोसेस हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, केमिकल स्टेप्स हो सकते हैं, उन सब की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री हमारे पास हो गई कुछ केमिकल रिएक्शंस, और उन केमिकल रिएक्शन का ताल्लुक अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास है इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल या इसे हम कहते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्री में होने वाले तमाम केमिकल प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस। तो इंडस्ट्री में होने वाले केमिकल प्रोसेस को जब भी स्टडी की जाएगा तो उसे इंडस्ट्रियल या अप्लाइड केमिस्ट्री कहेंगे। और इन प्रोसेस इंडस्ट्री में जो केमिकल प्रोसेस से बनता क्या है, सिंथेटिक प्रोडक्ट बनती है, सिंथेटिक प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं हम इससे, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सिंथेटिक प्रोडक्ट वो जो होते हैं, मैनमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब है इंडस्ट्री में बनने वाले तमाम केमिकल प्रोसेस से इंडस्ट्री में बनने वाले सिंथेटिक प्रोडक्ट की स्टडी को इंडस्ट्रियल या अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये बनती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्री, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक, एग्जाम्पल भी दिए गई है लाइक सीमेंट, पेपर, सोडा अल्कली, सोडा अल्कली फर्टिलाइजर, मेडिसिन एक्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम, चेंज, कोई भी केमिकल चेंज या चेंज, चेंज अक्यूरिंग इन न्यूक्लाई ऑफ एन एटम, एक एटम की न्यूक्लियस में होने वाले चेंज की स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। ठीक है, हम किस चीज की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होने वाले चेंज की स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ये चेंज कैसे होते हैं, कैसे एनर्जी रिलीज होती है, ये सब बात की बातें सिर्फ डेफिनेशन में दो जो थे। न्यूक्लियर न्यूक्लाई ऑफ एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में होने वाले चेंज की स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इन अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है वहाँ पर डेफिनेशन पे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ चेंज अक्यूरिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अकंपनीड बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। इनविजिबल रेडिएशन मतलब ऐसी रेडिएशन रिलीज होती है जो हमें नजर नहीं आती, वो हमारे इनविजिबल रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या है वहाँ पर कि जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, उसके बाद उससे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन बाय प्रोडक्ट्स का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस जो कि इंडस्ट्री में सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, उससे हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उससे जो धुआं उठता है उससे क्या इफेक्ट आता है, उसके जो पार्टिकल्स जो उड़ रहे हैं हवा में आते हैं उससे क्या इफेक्ट आएंगे, उनसे जो एनवायरनमेंट इंडस्ट्री से जो ड्रेनेज पानी ड्रेन हो रहा है उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो इन सब की स्टडी को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल, जो भी इंडस्ट्री से हमारे पास केमिकल रिएक्शन के बाद निकलने वाले जो केमिकल मटीरियल है, इफेक्ट एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट, तमाम एनिमल और प्लांट में इन पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, फिर लास्ट है हमारे पास ये पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या हम स्टडी करते हैं पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स, पॉली मींस होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, और पॉलीमर्स बहुत सारे छोटे एटम्स कंबाइन होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, कहते हैं पॉलीमर्स। एक जैसे एलिमेंट कंबाइन होते हैं, पहले मोनोमर्स बनते हैं, फिर डायमर्स, ट्राइमर्स, टेट्रामर्स, पेंटामर्स, ये सब लॉन्ग चेन बनना शुरू होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी काउंटिंग नहीं होती तो हम उसका नाम दे देते हैं पॉलीमर्स। तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। ये पॉलीमर क्या, आपके उधर जितने भी प्लास्टिक होता है ये सब पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो हम इसमें जब ये प्रोसेस बन जाता है, पॉलीमर्स छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, उसके बाद एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं उसे, पॉलीमराइजेशन। तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, पॉलीमराइजेशन की स्टडी करते हैं, पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करते हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के पॉलीमर्स मैनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का नाम बनता है पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन को स्टडी करते हुए बनता है हमारे पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन बन जाती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, सच एज प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेपर इंडस्ट्री, ये सब पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में आता है। स्टूडेंट, हमारे पास तमाम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो हमारे पास है सिंथेटिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसकी हमारे पास दो क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। नंबर वन क्वेश्चन नोट कर लें, ये आपका असाइनमेंट भी होगा, राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियड या मॉडर्न साइंटिस्ट। तो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हमारे कौन कौन से गिवन थे हमारे बुक में, जिसको मैंने स्टडी किया, रॉबर्ट बॉयल, शील्स, लेवाइजर, कैवेंडिश, जे ब्लैक, जे प्रिस्टले, इन सबको स्टडी किया हमारे पास, इन सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन मौजूद है। क्वेश्चन लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न साइंटिस्ट, साइंस तमाम साइंटिस्ट का नाम लिखें, और जैसे जैसे आपको वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दी गई वो भी लिखें, बुक को भी स्टडी करें। ठीक है, नेक्स्ट है होगा हमारे पास राइट डिफाइन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, डिफाइन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो तमाम ब्रांच की हेडिंग लिखें, और उसके बाद उनकी डेफिनेशन हमारे पास बुक में मौजूद है वो भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास नोट में भी ये तमाम डेफिनेशन आपको बना के दी गई है, आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हमारा टॉपिक कम्प्लीट हुआ, अब सिर्फ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है हमारे पास, द साइंटिफिक अप्रोच केमिस्ट्री, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।